अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। हमने स्केल से रेखाखंड, प्रकार व चांदे से कोण बनाना सीखा है। अब हम कुछ बंद आकृतियां बनाना सीखेंगे। आइए कुछ रचनाएं करते हैं और देखते हैं कि नई आकृतियां हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज की कल्पना करें। आप जानते हैं त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति होती है। आपको शायद यह लगता होगा कि यदि आपको तीन रेखाखंड दिए जाए तो उसे त्रिभुज की रचना की जा सकती है, लेकिन यह हमें एक बात सोचनी होगी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी तीन रेखाखंड दिए हों और हम त्रिभुज की रचना कर लें? तो इस सवाल के जवाब हम कुछ रचनाओं को करेंगे और ढूंढेंगे। तो सबसे पहले एक उदाहरण हम लेते हैं। यदि हमारे पास तीन रेखाखंड हों जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो, यदि ये लंबाइयां हमें दी हुई हो रेखाखंडों की, तो क्या इनसे हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो लंबाइयां दी हुई है उसमें सबसे बड़ी लंबाई को चुनते हैं 7 सेंटीमीटर की, और 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं। यह हमने स्केल का इस्तेमाल किया है और यहाँ हम जहाँ से शुरू होता है शून्य, वहाँ से हम शुरू करते हैं अपने रेखाखंड को खींचने की। वहाँ से हम अपने रेखाखंड को खींचने की शुरुआत करते हैं और ये देखिए हम ठीक 7 सेंटीमीटर के निशान पे आकर रुकते हैं और ये हमने एक रेखाखंड की रचना कर ली। इसकी माप 7 सेंटीमीटर है। यहाँ हम दो नाम दे दें। मान लीजिए हमने इस बिंदु को नाम दिया क्यू और इस बिंदु को नाम दिया आर। ये एक रेखाखंड है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसे हम यहां लिख लें 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो लंबाइयां और हैं, 5 सेंटीमीटर की और 6 सेंटीमीटर की। हमें एक रेखाखंड को क्यू से खींचना होगा और दूसरे रेखाखंड को आर से खींचना होगा। हमें यह पता नहीं है कि यह 5 सेंटीमीटर का जो हम रेखाखंड खींचेंगे उसकी दिशा क्या होगी, और ठीक इसी तरह से 6 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड खींचेंगे उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि हमें कोण नहीं दिया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड को खींचने की शुरुआत करते हैं। हमने प्रकार लिया और उसकी नोक को हमने शून्य पर रखा स्केल पर, और दूसरे हिस्से को ठीक 5 सेंटीमीटर पर रखा, ये आप देख सकते हैं। और ये जो हमने लंबाई ली है, जो चाप लिया है, वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो हम प्रकार की नोक को क्यू पर रखें और एक चाप खींचे यहां पर। ये चाप हमने रेखा के ऊपर की तरफ खींचा। अब ठीक इसी तरह से हम दूसरी लंबाई के साथ करेंगे। ये हमने यहां पर फिर से प्रकार के नोक को शून्य पर रखा और प्रकार की कलम वाली ये पेन वाली नोक को हम ठीक 6 पे लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये जो हमने फैलाया है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। प्रकार के नोक हम आर पे रखते हैं और दूसरे हिस्से से उसी तरफ एक और चाप काटते हैं जिस तरफ हमने पहला चाप काटा था। ये जो हमें बिंदु प्राप्त हो रहा है उस बिंदु से हम क्यू और आर को मिला लें। तो चूंकि ये जो चाप है पहला वाला उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी इस चाप पर स्थित हर बिंदु क्यू से 5 सेंटीमीटर दूर होगा, और ठीक इसी तरह से जो दूसरा चाप हमने खींचा है उसका हर बिंदु आर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि दूसरे वाले चाप की त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर थी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है दोनों चापों पर है, यानी पहले चाप पर होने के कारण उसकी क्यू से दूरी 5 सेंटीमीटर है और दूसरे चाप पर होने के कारण उसकी आर से दूरी 6 सेंटीमीटर है। यानी एक ऐसा बिंदु हमारे पास है जो क्यू से तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और आर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी इस बिंदु को हम क्यू और आर से मिला दें तो जो भुजाएं हमको मिलेंगे वो क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की होंगी। तो चलिए इसे हम मिलाते हैं। ये हमने क्यू से इसे मिलाया और ठीक उसी तरह से हमने उस बिंदु को आर से भी मिला दिया। ये हमने इसे आर से मिला दिया और इस बिंदु को हम नाम दे दें, मान लीजिए इसका नाम पी दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक त्रिभुज पी क्यू आर है और आपने क्यू आर की रचना 7 सेंटीमीटर शुरू में की थी। क्यू पी 5 सेंटीमीटर का है क्योंकि ये जो चाप
आपने काटा था उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, PR 6 सेंटीमीटर है क्योंकि आपने जो चाप लिया था उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी, यानी जो त्रिभुज आपने बनाया उसमें भुजा QR तो 7 सेंटीमीटर की है, भुजा PQ 5 सेंटीमीटर की है और भुजा PR 6 सेंटीमीटर की है। तो आप देख रहे हैं कि जो माप आपने ली थी क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इन तीनों मापों की मदद से आप एक त्रिभुज की रचना कर पा रहे हैं, त्रिभुज PQR की। तो ये संभव हुआ कि इन लंबाइयों के साथ यदि हम त्रिभुज की रचना करें तो वो रचना की जा सकती है। बच्चों आइए अब हम कुछ नई माप लेते हैं त्रिभुज की भुजाओं की और देखते हैं क्या उन नापों से भी या उन मापों से भी त्रिभुज की रचना की जा सकती है। मान लीजिए हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की हो, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर की हो और तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की हो। कल्पना करिए हमें ये तीन माप दी हुई हैं क्रमशः 2, 3 और 6 सेंटीमीटर की, तो हमें देखना है क्या इनसे भी त्रिभुज की रचना की जा सकती है। चलिए कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले इसको हम आधार यदि बना ले 2 सेंटीमीटर की भुजा को तो कैसी आकृति बनती है, यह हमने 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा, यह हमारे त्रिभुज की एक भुजा हुई, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो हम प्रकार की मदद से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेंगे और इसे एक तरफ रख के हम एक चाप खींचते हैं जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की है। तो हमने इस भुजा की माप लेकर एक चाप ले लिया। अब तीसरी भुजा को हम देखें जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर की है, हम फिर प्रकार की मदद से 6 सेंटीमीटर का फैलाव लेंगे और देखेंगे कि ये चाप पहले वाले चाप को कहां पर काटता है। ये हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लिया और ये दूसरे बिंदु पर हम प्रकार की नोक को रखते हैं और कोशिश करते हैं कि पहले वाले चाप को काटे। आप देख रहे हैं कि जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने चाप खींचा है वो पहले वाले चाप को कहीं पर नहीं काटता, यानी कोई बिंदु हमें ऐसा नहीं मिल सकता जो यहां से, मान लीजिए जिसको हम क्यू कहते हैं और इसे हम आर कहते हैं, तो ये सारे बिंदु जो इस चाप पर हैं वो R से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और यहाँ पर स्थित सारे बिंदु Q से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, और चूंकि दोनों चाप एक दूसरे को कहीं पर नहीं काट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई बिंदु नहीं मिल रहा है जो R से 3 सेंटीमीटर हो और Q से 6 सेंटीमीटर का हो, यानी हम कह सकते हैं कि इन मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है। अब दूसरी स्थिति ले, आप ये सोच सकते हैं कि हमने पहली बार आधार को 2 सेंटीमीटर लिया इसलिए शायद ये स्थिति नहीं बन पा रही है, हम एक काम का और करते हैं आधार 3 सेंटीमीटर का लेके देखते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी स्थिति में त्रिभुज की रचना हो सकती है। चलिए यहां पर एक और कोशिश करें हम। यह हमने एक रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर की है, इसे भी हम नाम दे दें। मान लीजिए हमारा पहला बिंदु Q है और दूसरा वाला बिंदु R है और इस QR की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास दो भुजाएं बचती हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की हैं। हम किसी एक बिंदु से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचें और इसके लिए प्रकार से हम 2 सेंटीमीटर का फैलाव लें और मान लीजिए इस बार हम Q से कोशिश करते हैं, तो प्रकार की नोक को हमने Q पे रखा और एक चाप काटा यहाँ से जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यानी इस चाप के हर बिंदु की दूरी Q से 2 सेंटीमीटर की है। अब हम तीसरी भुजा के लिए कोशिश करें, तीसरी भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, प्रकार की मदद से हम 6 सेंटीमीटर का फैलाव लें और
ये हमने अपने प्रकार को 6 सेंटीमीटर फैलाया और आर बिंदु पर प्रकार की नोक को रखा और ये हम चाप खींचने की कोशिश करते हैं। आप देखिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं एकदम नीचे से और इसको काफ़ी आगे तक बढ़ा रहे हैं। कहीं ऐसी संभावना नहीं दिख रही है कि दूसरा वाला चाप पहले चाप को काटता हो, यानी फिर से हमें कोई ऐसा बिंदु नहीं मिल पा रहा है जो Q से तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और R से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। यानी यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ऐसे त्रिभुज की रचना मुश्किल है जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्रमशः 2, 3 और 6 सेंटीमीटर है। चलिए एक और विकल्प हमारे पास बचता है, यदि हम आधार को 6 सेंटीमीटर ले लें और शेष दो भुजाओं को क्रमशः 2 और 3 सेंटीमीटर कर लें तो क्या त्रिभुज की रचना हो सकती है। चलिए एक बार ये भी कोशिश करके देखें। हम सबसे पहले एक रेखाखंड बनाएं जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर की है। ये देखिए हमने यहाँ से शून्य से शुरू किया और 6 सेंटीमीटर पर आकर रुक गए और इसे भी हम नाम दे दें बिंदु Q और बिंदु R। इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो भुजाएं बची 2 और 3 सेंटीमीटर की। हम फिर से प्रकार और स्केल पट्टी की सहायता से इस काम को करेंगे। 2 सेंटीमीटर का फैलाव लें और किसी भी एक तरफ रख के हम इसका 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचे तो ये चाप हमें इस तरह से मिलेगा और फिर दूसरी भुजा लें 3 सेंटीमीटर की और दूसरे बिंदु पर प्रकार की नोक रखें और इसके आधार पर एक चाप खींचे। हम यहां भी देख रहे हैं कि ये दोनों चाप एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काट रहे हैं, यानी ऐसा कोई भी बिंदु ढूंढ पाना मुश्किल है जो R से तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और Q से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। यानी हम त्रिभुज का तीसरा बिंदु नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिनकी दूरियां क्रमशः R और Q से 2 और 3 सेंटीमीटर की हो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी जब हमने आधार को 6 सेंटीमीटर का लिया त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है। तो इन तीनों उदाहरणों से आप देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह से हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर पा रहे हैं जिनकी लंबाइयां, जिनके भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 2, 3 और 6 सेंटीमीटर की है। पहले जो माप हमने ली थी आपको ध्यान होगा वहाँ पर इन भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 5, 6 और 7 सेंटीमीटर थी, वहाँ पर आपने त्रिभुज की रचना कर ली थी लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है वो इन दोनों भुजाओं की, इन दोनों छोटी भुजाओं की लंबाइयों के योगफल से अधिक है। 2 और 3 को जोड़ने पर 5 होता है और ये 6 सेंटीमीटर है। यानी शेष दो भुजाओं को जोड़ें तो पहली भुजा से उसकी लंबाई कम होती है, उन लंबाइयों का योग कम होता है। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष हमें मिलता है यदि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा तभी हम उस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। करके देखें, क्या दी गई मापों से त्रिभुज बनाना संभव है? पहला, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। दूसरा, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तीसरा, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। चौथा, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर।